हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में सीखेंगे कि किस तरीके से आप इस रूपी सिंबल को आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम बहुत सारी ऐसी वर्कशीट्स को एक्सेल में बनाते हैं जिन वर्कशीट्स में हमें इस रूपी सिंबल को लगाने की जरूरत पड़ती है। तो हम किस तरीके से अपनी इंडियन करेंसी का सिंबल यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है जिसे हम आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी शीट में जहां पर आपको रूपी सिंबल लगाना है वहां पर आप उस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उस डेटा को अपने सेलेक्ट करेंगे, आप या तो यहाँ पर नंबर पर क्लिक करिए, या दूसरा तरीका है कंट्रोल के साथ आप वन बटन दबाइए। दोनों में एक ऑप्शन खुलेगा फॉर्मेट सेल नाम का। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है करेंसी सिंबल पर, और करेंसी में जाने के बाद यहाँ पर सिंबल, जैसे कि यहाँ पर अभी डॉलर सेलेक्ट है, आप यहां से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहां पर एक इंग्लिश इंडिया नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आपको यहां पर वो ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि हिंदी इंडिया में मिल गया इसे या इंग्लिश इंडिया, कोई भी इसे सेलेक्ट करेंगे और यहां पर ओके बटन को दबा देंगे। जैसे ही आप ओके बटन दबाएंगे, आपके सामने इस तरीके से रूपी सिंबल लग जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखिए, रूपी सिंबल लगने के साथ साथ यहां पर पॉइंट के साथ 2 डेसिमल प्लेस 0 ऐड हो गई। तो इन्हें अगर आपको हटाना है तो आप यहां से हटा सकते हैं, और इस तरीके से आप इंडियन रूपी सिंबल को एक्सेल वर्कशीट में लगा सकते हैं कहीं पर भी। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।